चैनल अभी सो के उठाऊँ तो रात को मैच देखा। मैंने सोचा चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं मैच पे, पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान का मैच हुआ था रात को। सबसे पहले पाकिस्तान के बैटिंग पे बात करते हैं। शताब खान ने टॉस जीती और बैटिंग का फैसला किया उसने, और बहुत ही अच्छी बैटिंग की हमारे प्लेयरों ने। अक्लमंदी के साथ नहीं ये खेलते ना, मतलब कि पिच को रीड नहीं अच्छी तरह से करते कि पिच का बिहेवियर कैसा है, हमने इधर कैसे खेलना है। बस आते हैं अंधों की तरह, बस बल्ला घुमाते रहते हैं कि लग गई छक्का नहीं लगी तो आउट। पहले इनको चलें पिच नहीं इनको रीड करनी आती कि पिच का बिहेवियर कैसा है, हम इधर कैसे खेलेंगे, इधर पावर स्कोर कितना है, कितना स्कोर करेंगे हम डिफेंड कर सकते हैं, ये इनको पता नहीं होता। तो बाकी 92 पे ऑल आउट हो गए ये हमारे खिलाड़ी, और अफगानिस्तान की तरफ करनी पड़ेगी। उन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच जीते हैं अपना, मतलब कि जितने भी मैच हुए हैं पहली मरतबा जीते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे खिलाड़ी को भी सोचना चाहिए, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि पिच को अच्छी तरह से रीड करना आना चाहिए। ये पिच कैसी है, हम इधर कैसे बैटिंग करेंगे, हीटिंग इधर लग रही है, पिच स्लो थी, बॉल नीचे रह जाती थी, कभी कभी ऊपर आ जाती थी बाउंस, तो इनको पिच रीड करनी आनी चाहिए। बाकी चले होपफुल नेक्स्ट मैच अच्छा हो, पाकिस्तान जीते। बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करना लाजिम। और मौसम भी बहुत बेहतर है, क्या कहते हैं कि बारिशें हो रही हैं, ठंड हो गई है फिर पाकिस्तान में, हवाएं चल रही हैं अच्छी अच्छी। तो मैं सो के उठा, मैंने बोला चलो छोटी सी वीडियो बनाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए ना पाकिस्तान के ऊपर। बाकी होपफुल नेक्स्ट मैच अच्छा हो, पाकिस्तान जीते और सीरीज जीते ये। और प्लेयरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना, जब इनको सेलेक्ट किया है तो इनको सोच समझ के खेलना चाहिए कि पिच का बिहेवियर कैसा है। एक स्पिनर भी कम खिलाया हमारे कैप्टन ने, पिच रीड करनी नहीं आती इस वजह से ना, अगर पिच रीड करनी आती हो तो बंदा एक फास्ट कम खिलाता है, स्पिनर को खिलाता है, जैसे उन लोगों ने 3 स्पिनर खिलाए हुए थे, वो तो हमारे उनके स्पिनर तो खेले ही नहीं जा रहे थे हमारे बैट्समैनों से। बाकी चलें इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट मैच पाकिस्तान अच्छा खेले। और आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।